हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं चाइनीज स्टाइल मैगी बनाना। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ये ट्रस्ट करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये हमारी झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। तो आइए सीखते हैं कि हमारी ये चाइनीज मैगी हम कैसे बनाते हैं। बट रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। लाइक करने में एकदम कंजूसी मत करिएगा और इसको शेयर भी करिए अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए। मैंने एक नया चैनल बनाया है अमृताज लाइफस्टाइल एंड मोर करके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें बहुत ही अच्छे ब्यूटी टिप्स हैं, घरेलू नुस्खे हैं, दादी माँ के घरेलू नुस्खे बहुत ही अच्छे आने जा रहे हैं। तो आप मेरे नए चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो आइए सीखते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है चाइनीज मैगी बनाने के लिए 2 पैकेट मैंने मैगी लिया है और हमें लगेंगे इसमें स्प्रिंग अनियंस, ये हरी प्याज है ये थोड़ी सी मैंने ली है, 1 इंच अदरक है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 6 से 7 कलियां लहसुन की हैं उसको भी मैंने लेके ग्रेट कर लिया है, 1 छोटी शिमला मिर्च थी उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 1 गाजर थी उसको भी मैंने छोटा काट लिया है, 3 से 4 बीन्स थी उसको भी मैंने छोटा सा काट लिया है, कैबेज थी पत्ता गोभी उसको भी मैंने छोटा सा काट लिया है, ये थोड़ी सी लगेगी हमें, और 1 बड़ी प्याज थी उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और सॉस में हमें लगेगा ये टमाटो सॉस लगेगा 1 चम्मच लगेगा हमें, 1 से 1.5 चम्मच भी लग सकता है, और हमें लगेगा ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच लगेगा, 1/2 चम्मच हमें सोया सॉस लगेगा, 1 चम्मच विनेगर लगेगा, 2 टेबलस्पून ऑयल लगेगा और नमक बहुत ही थोड़ा सा स्वाद अनुसार लगेगा। सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच टमाटो सॉस ले ली है। अब हम सॉसेस का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो 1.5 चम्मच ये टमाटो सॉस है, अब इसमें हम विनेगर का यूज करेंगे, 1 चम्मच विनेगर ले लेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें सोया सॉस लेंगे, 1 चम्मच हम इसमें चिली सॉस का यूज करेंगे। ये देखिए सारे सॉस मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब ये जो मैगी का टेस्ट मेकर आता है ये भी हम इसी स्टेज पे मिक्स कर देते हैं। तो ये टेस्ट मेकर भी अभी लेके डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये प्रिपरेशन आप पहले से ही करके रखेंगे तो बनाते वक्त आपको बहुत ही आसानी होगी, आपको बारी बारी से सॉस नहीं डालना पड़ेगा, एक साथ ही बस आप ये मिक्सचर लेके डाल देंगे तो आपकी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट भी होता है और टेस्ट भी इससे ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हमारे सॉस का मिक्सचर तैयार है, सॉस और मसाले का मिक्सचर। अब हम अपने नूडल्स को बॉयल कर लेंगे। तो अब हम इसमें नूडल्स हमने ले लिया है 2 पैकेट का और इसमें हम अब बॉयल करते हैं। तो मैं इसमें पानी डाल के, जितना पैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आप उसी हिसाब से पानी डालिए और मैगी को बॉयल कर लीजिए। बॉयल करते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अगर ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस जैसा पैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया है उतना ही पानी डाल के आपको बॉयल करना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो मैगी जो है बहुत चिपचिपी हो जाएगी, एकदम जैसा पैकेट में इंस्ट्रक्शन है वैसे ही बॉयल करेंगे। ये देखिए ये मैगी मैंने बॉयल करके रख ली है। बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि पानी एकदम ज़्यादा ना यूज़ करें, पानी ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही चिपचिपी हो जाएगी, तब हमारी रेसिपी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो पानी एकदम कम डाल के इसको बस बॉयल करें और ये देखिए ऐसे ही अलग अलग मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है। इसको मैं साइड में रख लूँगी। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब उसमें ऑयल लेके डाल देंगे। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अब डालेंगे अपने लहसुन जो हमने कसा था और अदरक, और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, सौते कर लेंगे। जब तक ये कलर ना थोड़ा चेंज होने लगे, अब थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है लहसुन और अदरक का, तो अब हम इसमें प्याज लेके डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे।
थोड़ा सा, जब तक ये थोड़े से गल ही जाते हैं, इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। हमें नमक इसमें बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है, और एकदम आप ध्यान से ऐड करें, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी, मैगी टेस्ट मेकर में भी नमक होता है, सारे सॉस में भी नमक होता है। तो ये बात आप ध्यान देके शुरुआत में एकदम कम नमक यूज़ करें, अगर आपको बाद में लगे तब आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एकदम थोड़ा सा नमक ऐड करें। अब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें वेट करना है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपनी सब्जियां डालेंगे, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और कैबेज लेके हम डाल देंगे, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पहले पका लेंगे। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम अपने स्प्रिंग अनियंस लेके डाल देंगे, आधी हम डाल देंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये हरी प्याज है, अब सीजन में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, तो थोड़ी सी डाल करके फिर 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें जो सॉस का मिक्सचर हमने तैयार किया था तो वो लेके ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी भी ले लेंगे कि ये अच्छे से कटोरी से निकल जाए, मिक्स करते हुए लेके ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे सब्जियों में। इस मैगी का फ्लेवर टेस्ट एकदम डिफरेंट रहता है, एकदम अलग। बस अब हम इसमें जो नूडल्स बॉईल करके हमने रखे थे वो हम लेके ऐड कर देंगे। इसको लेके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जेंटली। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स लेके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, कितना अच्छा कलर हमारा आ गया है। अब बस हम गैस लेके अपनी बंद कर देंगे, और वो जो स्प्रिंग अनियन थोड़ी सी हमने बचा रखी है इससे गार्निशिंग कर देंगे, और थोड़ी सी और सर्व करते टाइम हम स्प्रिंग अनियन हरी प्याज लेके डालेंगे। तो अब हम इसको लेके सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी चाइनीज मैगी बनके तैयार है, आप भी इसका मज़ा उठाइए। थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के साथ, हरी प्याज के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिए, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो तुरंत आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ओके, बाय।